नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट फोर। दोस्तों, इस वक्त फंजीशीर से बड़ी खबर आ रही है। तालिबान के एक बड़े नेता ने कहा है कि फंजीशीर में भारत और रूस के सैनिक तैनात है। तालिबानी नेता ने कहा कि मोदी जी हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। उसने कहा कि अगर मोदी जी को मदद करनी ही थी तो तालिबान की मदद क्यों नहीं की। इस वक्त बताया जा रहा है कि भारत के कम से कम 10,000 कमांडो फंजीशीर पहुंच चुके हैं, और वही दूसरी तरफ रूस ने भी भारी मात्रा में सैनिकों को फंजीशीर में तैनात कर दिया है। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि मोदी जी चुपचाप तालिबान का तमाशा देखेंगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मोदी जी आगे से ताली बजाकर पीछे से हवा निकाल देते हैं। दोस्तों, मोदी जी के चाल को समझना छोटे मोटे लोगों के बस की बात नहीं है। आखिरकार वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे प्रभावशाली नेता है, तो इसके पीछे मोदी जी का दिमाग सबसे बड़ा स्रोत है। अगर भारतीय सेना फंजीशीर पहुंच चुकी है तो हमें इस वक्त अपनी सेना के साथ पूरी ताकत और भरोसे के साथ खड़े रहने की जरूरत है। हमने अपने सरकार पर भी भरोसा किया है, और आप हमें फंजीशीर के सिरों पर भी भरोसा करने की जरूरत है। हमें तालिबानियों पर किसी भी कीमत पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वे लोग साफ है और मौके मिलते ही डंक मारेंगे। इसी कारण अगर भारत ने नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन देने का फैसला किया है, जिसका हम सराहना करते हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि फंजीशीर में भारतीय सैनिक मौजूद हो जाएंगे, और जिस प्रकार से तालिबान राज के बाद भारत अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहा था, उसके बाद से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत तालिबान से डर चुका है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, यह भारत 2021 का है, किसी भी हालत में डरने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से आज तालिबान के बड़े नेता मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया अपने सैनिकों को फंजीशीर में ना भेजें, अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की ताकत कितनी आगे बढ़ चुकी है। भारत तालिबान के सामने कभी झुक नहीं सकता, और खास करके जिस देश के प्रधानमंत्री शेर मोदी हो, तो फिर वे मुल्क किसी से क्यों डरेगा। मोदी जी की रणनीति साफ है, दुश्मन को पहले ही ठोक दो, इससे पहले कि वे आपको आंख दिखाने की हिम्मत करे। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी कभी भी अपने दुश्मनों पर दोबारा भरोसा नहीं करते। उनके जीवन काल में कई गद्दार उनके सामने आए हैं, जिन पर उन्होंने दोबारा भरोसा करने की गलती ना की, तो फिर तालिबान पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता है। जिसमें कंधार हवाई अपहरण कांड में भारत के खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया था, ये भारत बेहद बदला हुआ है, सारी शक्तियों से संपन्न है। इसलिए हमारे प्यारा भारत को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर तालिबान सरकार में आ जाते हैं तो वे लोग कश्मीर में हमले शुरू कर देंगे, और फिर भारत कभी भी पीओके वापस नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मोदी जी का तैयारी बुलेट प्रूफ है। आज मोदी जी ने कश्मीर को इतना सुरक्षित बना दिया है कि वह आतंकवादी सांस भी नहीं ले पा रहे। दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। यह मोदी का नया भारत है, जो तालिबान को ठोकेगा भी और अपने 3 बिलियन वापस भी लेगा। भारत के अंदर ही कुछ बेवकूफ लोग कह रहे थे कि भारत को तालिबान से सबसे ज्यादा डरने की जरूरत है। क्यों भाई, क्या भारत का कोई बॉर्डर है तालिबान के साथ? क्या हमने उनका कुछ अभी तक बिगाड़ा है? हम अफगानिस्तान में सिर्फ एक ही मकसद से गए थे, ताकि अफगानी भाइयों का विकास हो पाए और उन्हें पाकिस्तान के आतंकी परेशान ना कर पाए। दोस्तों, बेशक हम अपने मकसद में कामयाब ना हुई हो, लेकिन हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, और अगर हमने किसी को भी चोट नहीं पहुँचाई है तो हम अपने हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठने वाले भी नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि तालिबान भारत के खिलाफ हमले करेगा, इसीलिए हमने कश्मीर को बुलेट प्रूफ बना दिया है, और हमने अपनी सुरक्षा को भी जबरदस्त मजबूत बना लिया है। हमारे हथियारों और सैनिकों के सामने तालिबानी नहीं टिक पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं, और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दें। दरअसल दोस्तों,
एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि तालिबानियों के हथियार अब धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। जितने भी अफगान सैनिक थे वे सभी अपने घातक हथियार लेकर पंजशीर घाटी में शरण लिए हुए हैं। अमेरिका ने भी अपने हथियार वाले अड्डों पर बमबारी शुरू कर दी है। तालिबानियों के पास अब हथियार लगभग ना के बराबर है, जिसके बाद अब तालिबान के पास हथियार खत्म होते नजर आ रहे हैं। और इसी कारण तालिबान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को अफगानिस्तान में आने का निमंत्रण भेजा है, ताकि वे लोग पाकिस्तान से कुछ हथियार भिक्षा के तौर पर मांग सके। अगर पाकिस्तान उन्हें हथियार देता है तो वे सांप के मुंह में हाथ डालेगा, और अगर वे तालिबानियों को हथियार ना देता है तो तालिबान के सांप उसके अंग अंग में डस लेंगे। इस वक्त चीन और पाकिस्तान दोनों ही तालिबान जैसे भिसेले सांप के मुंह में पड़ चुके हैं। दोस्तों, इनका निकलना अब नामुमकिन बताया जा रहा है। अगर ये लोग तालिबान को मान्यता देने से मना करेंगे, उसके कल हो करके ही इनके देशों में धमाके शुरू हो जाएंगे। और अगर ये लोग तालिबान की मदद करेंगे तो तालिबान और बलवान होगा, और फिर एक दिन इनकी आंखें भी निकल लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रूस ने पंजशीर में अपने सैनिकों को क्यों उतारा है। तो दोस्तों, रूस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर तालिबान इतना जल्दी पूरी अफगानिस्तान पर कब्जा कैसे कर लिया है। वास्तव में रूस तालिबान से डरा हुआ है, और इसी कारण वे चीन के तरह ही तालिबान के समर्थन में ऊपर ऊपर बोली लगा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके भी फटे पड़े हैं। इसी कारण रूस ने भी पंजशीर घाटी में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। हालांकि भारत और रूस की तरफ से तालिबान के इस बयान पर अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। तो वही दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान ने अमेरिकी फौज को हटाने के डेडलाइन को लेकर चेतावनी जारी की है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने स्काई न्यूज से कहा कि अमेरिका की फौज हटाने की 31 अगस्त की डेडलाइन को आगे बढ़ाना तालिबान को मंजूर नहीं होगा। अगर इसमें देरी होती है तो परिणाम भुगतने होंगे। एक इंटरव्यू में तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा, आप कह सकते हैं कि यह रेड लाइन है। शाहीन ने कहा, अगर अमेरिका या यूके निकासी जारी रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है तो जवाब नहीं है, और इसका परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले सोमवार को ब्रिटेन ने कहा कि वे अमेरिका से पश्चिमी देशों के नागरिकों और अमेरिकी सहयोगियों की काबुल से पूर्ण निकासी के डेडलाइन को बढ़ाने का आग्रह अमेरिका से करेगा। वर्चुअल G7 समिट के दौरान यह आग्रह किया जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निकासी की डेडलाइन 31 अगस्त तय की है, लेकिन जरूरत के अनुसार यह समय सीमा आगे बढ़ाने का रास्ता खुला रखा है। आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर जेम्स हिपी और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि वे मंगलवार को होने वाली G7 की बैठक में वे इस डेडलाइन को बढ़ाने पर जोर देंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान अब तक कह पाने की स्थिति में नहीं है कि उसका अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह कंट्रोल है। वे कड़वी वास्तविकता है कि यदि अमेरिका नेतृत्व करता है तो अफगानिस्तान की राजधानी से निकासी की डेडलाइन को 31 अगस्त से आगे बढ़ाया जा सकता है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।